अब आइए नमस्ते भारत की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है इजराइल हमास के जंग से जुड़ी हुई। कहा यह जा रहा है कि गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी के खान यूनिस में ईंधन दीपों पर हमला किया गया है। इसराइल के हमले में 23 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इसराइल सेना का गाजा में एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर इस वक्त की। खान यूनिस में अटैक किया गया है इसराइल की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि 23 लोगों की जान वहां पर गई है। तो इसराइल का अटैक लगातार जारी है, साथ ही हमास की रीढ़ को तोड़ने की भी कोशिशें जारी हैं। हमास के 5 कमांडर्स को ढेर कर दिया है आईडीएफ ने। हमास कमांडर मुराद अबू मुराद मारा गया, अब्दुल रहमान और उस्मान हमदान भी ढेर कर दिए गए हैं। हमले में एहसान शालौफ को भी आईडीएफ ने मार गिराया है। तो एक तरफ हमास के ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक हो रही है, तो वहीं जो हमास के कमांडर है उनको भी टारगेट करके इसराइल दस्त नाबूद कर रहा है और 5 कमांडर्स को ढेर किया गया है। तो गाजा पर लगातार इसराइल के हमले जारी है और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्ला के भी कई ठिकानों को इसराइल की तरफ से नष्ट किया गया है। जो आतंक के ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया है। हिजबुल्ला की चौकी को नष्ट किया गया है। हिजबुल्ला के कई दूसरे ठिकानों को तबाह किया है। इन्हीं ठिकानों से हिजबुल्ला लगातार अटैक कर रहा था, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसराइल ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को तबाह किया है। ABP News आपको रखे आगे।